नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, कई लोग ये कहते कि दादा हम लोग जो है सोने या चांदी के गहने आदि तो माँ को नहीं चढ़ा पा रहे हैं, यानी कि हम माँ के श्रृंगार के लिए जो है सोने चांदी के गहने आदि नहीं दे पा रहे हैं। या फिर जो है एक जन ने मुझे कुछ दिन पहले कहा कि हम चाहते थे दादा कि जो है मुकुट जो है, मतलब माँ की जो मुकुट जो है वो एक चांदी का जो है अगर बन जाए तो, पर हम जो है नहीं दे पाए। तो कुछ धातु आदि का देने का मन है कि उस प्रकार से अगर हम अलंकार आदि बनाकर दे पाते तो अच्छा होता, पर दे नहीं पाते। इच्छा तो होती है पर दे नहीं पाते। तो मैं आपको कहूँगा, देखिए सभी के लिए जो है ना अलंकार आदि देना संभव नहीं होता है, और सभी को अलंकार आदि देना ही पड़ेगा, ऐसा भी कोई विषय नहीं है। माँ आपकी भावना देखती है, आप देने की इच्छा रखते हैं माँ को कुछ, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ये विषय नहीं है कि सोने की या चांदी के जो है आप क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे। ये सब ना सोना चांदी ये सब कुछ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब हम इंसान जो है इसके बहुत कीमती चीज़ें होते, ये हम सोचते कि ये बहुत कीमती है हमारे लिए, तो इसे हम सोचते हैं कि अगर ये हम माँ को देंगे तो माँ बहुत खुश हो जाएंगे। तो माँ के लिए पीतल भी जो है सोना चांदी भी वही है, हमारे लिए वो जो है विशेष है। हम सोचते हैं कि ये विशेष है, ये महंगा है, तो ये हम देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, माँ ज़्यादा खुश होगी। माँ के लिए श्री रामकृष्ण देव एक बहुत सुंदर कथा कहते हैं इस विषय को लेकर। जो है एक बार जो है ना दक्षिणेश्वर मंदिर में जो माँ की जो है एक अंगूठी जो है वो मतलब खो गया था किसी भी प्रकार से जो है। तो जो रानी राजमणि परिवार के उनके जो जमाता है मथुरा मोहन विश्वास, तो वो आकर माँ को बोल रहे हैं कि माँ आप अपने गहने रक्षा नहीं कर पाए, आपके ही गहने हैं, आप ही इस जगत जननी हैं। तो श्री रामकृष्ण देव इस विषय से थोड़ा जो है मतलब थोड़ा विरक्त हुए, और थोड़ा विरक्त होते हुए उन्होंने कहा कि वो सब कुछ तुम लोगों के लिए है, तुम संसारी लोगों के लिए ही वो सारे सोना चांदी है। तो सोने की अंगूठी है या फिर हीरे की अंगूठी, वो खोने से माँ को कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि वो माँ के लिए मिट्टी के समान ही है। मिट्टी भी जैसा है सोने चांदी भी उसी प्रकार का ही है। तो ईश्वर के लिए जो है ना आप पीतल क्या दे रहे हैं, आप चांदी के दे रहे हैं, आप सोने के दे रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आपकी भावना, आपकी देने की इच्छा जो है ये बहुत बड़ी बात है। दान की इच्छा इंसान के मन में हो, अपनी सामर्थ्य अनुसार वो उस कार्य को कर पाए, ये जो है सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखिए, मैं सभी साधारण सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग एक्चुअली ये क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने घर के पूजा के लिए वो अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसे कि माँ के लिए शायद चांदी के या सोने के गहने के सेट आदि ले रहे, तो वो हम यूट्यूब पर देखते हैं और उसे देखकर हमारे मन में भी ये इच्छा होती है कि शायद हम भी अपनी भगवान को उस प्रकार से सजा पाते आदि पाते। श्रृंगार के कितने सारे चीज़ें हैं दोस्तों, फूलों की आप माँ को सजाइए, कितने सारे आजकल जो है, मैं एक बार जो है हमारे यहाँ पर बड़ा बाजार बहुत, तो वहाँ पर मैं गया तो देखा कि जो सिटी गोल्ड आदि, मतलब उस प्रकार का कुछ सिटी गोल्ड आदि ऐसा ही कुछ होता है जो इमिटेशन आदि का बनता है ना, तो इतने अच्छे अच्छे प्रकार के माँ के श्रृंगार की चीज़ें बने हैं। तो हमें ना ये सारी चीज़ें खरीदने चाहिए दोस्तों। इन्हीं सारी चीज़ों से मुझे लगा उस समय कि ये जो है ये हमारी कुटीर उद्योग जो है ये एक इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो साधारण लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इसे अपने मेहनत से कितने सुंदर से कितने कला के साथ इसे बना रहे। हमें ना इन सारी चीज़ों से ही माँ के श्रृंगार करना चाहिए, शायद माँ इससे ही ज़्यादा खुश होंगे सोने चांदी आदि से। मैं जब सच में वो वाला देखा बाजार में तो इतने मुझे अच्छे लगे। तो यहाँ पर मेरे कहने का अर्थ यही है कि आपके भावना, आपके देने की इच्छा, आपको माँ के श्रृंगार कराने की इच्छा, ये बहुत बड़ी बात है।
हमें दूसरों की चीज़ों को देखकर कभी भी जो है कभी भी इस प्रकार की अपनी मन में इस प्रकार की कोई भावना नहीं रखनी चाहिए कि मैं भी उस प्रकार का करूँगा, मैं भी इस प्रकार का करूँगा। बहुत सारे लोग जैसे कि मुझे मेल करते कि दादा बेलून मठ की तरह हम पूजा इस प्रकार से करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे तो आप हमें ये बता दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि वो बेलून मठ की प्रोसेस है, आप उस प्रकार से कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था, वहाँ की जो पूजा की सारी सामग्री आदि की व्यवस्था वो करते हैं और जिस प्रकार से जिस ऑर्डर से वो करते हैं वो हमारे लिए करना संभव नहीं है। तो कभी भी किसी चीज़ को देखकर हमें मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए, हमें अपने देखना चाहिए अपने में हम किस प्रकार से करें। तो आप जो है, मैं सभी के लिए साधारण सभी के लिए कहूँगा कि आप अगर माँ को कुछ धातु से बना हुआ कुछ देना चाहते हैं तो आप माँ को एक ऐसे प्रकार का एक धूप दीप आदि ऐसे सेट खरीद कर दीजिए, पीतल का, कांसे के भी आप दे सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए माँ के भोग आदि देने के लिए आपने एक अच्छे वाले पीतल आदि का सेट जो है, अच्छे वाले पीतल का जो होता है, पीतल दोनों प्रकार का एक्चुअली होता है, एक होता है थोड़ा पतला टाइप का पीतल जो होता है और एक होता है भारी टाइप का पीतल, देखिएगा बहुत पीलापन होता है जो भारी टाइप का पीतल होता है ना, कहते हैं इसलिए कि पीतल है या सोना, एक प्रचलित बात है कि ये पीतल है या सोना, यानी कि पीतल इतना चमकता है, उसके पीलेपन इतना होता है कि वो सोने के जैसा लगता है, थोड़ा महंगा पीतल जो होता है। तो वो सारे आप खरीद कर माँ को दीजिए, आप जो है माँ के लिए, आपके अगर धुनची नहीं है तो आप तो धुनची खरीद सकते हैं, आपके आरती के अगर दीपक एक है तो एक और खरीद लीजिए, दो दीपक से जो है आप दीप आराधना करिए, बहुत खुश हो जाएंगे माँ जो है। आप जो है इस प्रकार का अगर दीपक जो है वो आप मान लीजिए आपके पास एक है तो आप और दो तीन खरीद लीजिए, माँ के सामने 8 या 10 दीपक जला देंगे नवरात्रि के समय, तो माँ प्रकाश से जो है इन सारी चीज़ों से माँ और खुश हो जाएंगे। तो खुशी की आपकी भावना से माँ होती है, आप केवल सोने चांदी आदि देने से, महंगी चीज़ें देने से नहीं होते हैं। तो आप धातु का कुछ देना चाहते हैं, मेटल का कुछ देना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सोने चांदी का ही देना पड़ेगा, आप ऐसे पीतल के पूजा के सेट दे सकते हैं, आप जो है कांसे आदि के दे सकते हैं। आप अगर बहुत कुछ भी नहीं खरीद पा रहे तो उसमें आप मान लीजिए एक धुनची आपने खरीद ली, हर साल जैसे कि धनतेरस आदि में जैसे उस दिन जैसे हम कुछ बर्तन आदि खरीदते ना, तो आप दुर्गा पूजा में भी जो है यानी कि नवरात्रि में भी आप वो करिए, नवरात्रि में भी हर साल जो है, ऐसा कोई विषय नहीं है कि केवल धनतेरस केवल दीपावली के समय ही, धनतेरस के दिन ही हम एक बर्तन खरीद सकते हैं और दूसरे पूजा आदि में नहीं खरीद सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नवरात्रि अगर मान लीजिए आपके घर पे आप बड़े तौर पर करते तो हर साल माँ के लिए एक या दो बर्तन आप खरीदिए नियम के साथ जो है, देखिएगा आपके बर्तन के कलेक्शन कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। माँ की पूजा में जो है हर समय जो है अलग से खरीदना संभव नहीं होता है, तो फेस्टिवल के समय हम जो है बहुत कुछ अरेंज करके खरीद पाते हैं, तो आप हर बार नवरात्रि में एक ही अगर बर्तन लेते तो आपके कलेक्शन जो है 5 साल में जाकर देखिएगा बहुत बढ़ जाएगा, बहुत सी चीज़ें जिसके आपकी ज़रूरत होते थे वो आपकी शायद पूर्ण हो जा रहे हैं। तो माँ के लिए आप ये पीतल की चीज़ें भी दे रहे हैं, वो भी जो है आपकी भावना से माँ ग्रहण करेंगे और वो सोने के बराबर ही होते हैं। दोस्तों, माँ के लिए इन धातुओं का कोई मूल नहीं है कि आप सोने के बना कर दे रहे हैं, आप चांदी के बनाकर, बहुत सारे लोग चांदी आदि के बर्तन आदि के सेट देते हैं, चांदी के बर्तन में भोग आदि देते, तो इससे क्या माँ ज़्यादा खुश हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी भावना है, वो चांदी में देकर जो है खुश हो रहे तो माँ बोल रही कि ठीक है, मतलब माँ भी ये सोचते कि ठीक है, जो लोग पीतल में ही देते हैं उससे भी माँ बहुत खुश होती है, जो लोग जो है केले आदि के पत्ते में भी देते उससे भी माँ बहुत खुश होते। तो जो भी आप अपने खुशी के साथ देंगे माँ उससे ही खुश होती है। यहाँ पर ये विषय नहीं है कि उसकी महंगाई क्या है, वो कितना महंगा है, उस हिसाब से ये महंगा कौन सी चीज़ कितना महंगा है, कौन सी चीज़ क्या है ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा जो है अच्छी है, ज़्यादा प्रचलित में है,
ये सारी भावना हमारे, हम संसारी लोग इस प्रकार की सोच अपने लिए भी सोचते हैं और भगवान को भी हम इन्हीं सारी सोच विचार में जो है ना डाल देते हैं। पर माँ के लिए सोना भी जो है पीतल भी वही है, और केले के पत्ते आदि में भी आप देंगे तो वो भी जो है समान ही है। तो आप जो है पीतल आदि के बर्तन, पीतल आदि के से तेजस जो है वो आप माँ को दे सकते हैं, माँ के लिए आप खरीद सकते हैं। आप जो है ऐसे धुनची खरीदिए, आप आरती के दीपक एक है आपके पास तो आप दूसरा खरीदिए, ऐसे प्रकार के दीपक खरीदिए, आप थाली खरीदिए, आप जो है माँ के लिए आचमन पात्र, जल पात्र, जिस जो भी आपको अच्छा लगता है तेजस आदि पीतल के पात्र आदि में जो है वो आप खरीदिए। धूप करने के लिए आप एक्स्ट्रा, अगर धूची आपके पास एक है तो आप दूसरा एक खरीद लीजिए माँ के लिए। तो इस प्रकार से आप तेजस प्रदान कर रहे, जिस प्रकार से अलंकार आदि प्रदान किए जाते हैं उसी प्रकार से जो है तेजस आदि का भी विधान है। तो आप तेजस तो दे रहे हैं माँ को, तो इसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई अलग विषय है ही नहीं। अलंकार लोग दे रहे हैं अपने सामर्थ्य से, आप अपने सामर्थ्य से तेजस आदि पीतल की चीज़ें आदि दे रहे हैं, तो विषय अगर देखे तो एक ही है। और आपके भावना से आप अगर पीतल के तेजस आदि भी माँ के लिए खरीदते हैं और माँ को जो है उसमें आप धूप करते हैं, दीप करते हैं, आप उसमें नैवेद्य आदि लगाते हैं, आप आरती करते हैं उससे जो है, या फिर केवल जो है तेजस रूप में भी दान करते हैं, कुछ कुछ जो है तेजस आदि मंत्र से जैसे कि निवेदन किए जाते तो उसमें भी जो है आप वो माँ को निवेदन करते तो माँ उससे बहुत खुश होंगे। आप पीतल के तेजस आदि यानी कि पीतल के बर्तन आदि भी जो है हर साल माँ के लिए खरीद सकते हैं। अलंकार आदि अगर नहीं खरीद पा रहे तो नहीं खरीद पा रहे, आप पीतल की चीज़ें खरीदिए, पीतल के धुनुची पात्र खरीद के जो है माँ की आरती गढ़िए, आप बहुत खुश होंगे। आप दो आरती के दीपक खरीद कर माँ की जो है दीप आराधना करिए, माँ बहुत खुश होंगे। तो माँ के लिए वो अलंकार जो दे रहे वो भी जितने प्रिय हैं आप भी उतने ही प्रिय रहेंगे तेजस आदि खरीदने पर भी जो है। एक ही विषय है, सोना चांदी देना भी एक ही विषय है और पीतल की चीज़ें भी देना भी एक ही विषय है। महंगे कम महंगे, ये धातु ज़्यादा महंगा है, ये धातु ज़्यादा सही है, और ये जो है ये सभी मतलब पीतल भी तो पूजा की ही धातु है। पीतल आदि जो है पीतल को इसलिए पूजा के श्रेष्ठ और शुद्ध धातु कहा गया है। तो तेजस आदि के रूप में जो है आप माँ को दे ही सकते हैं, माँ के धूप दीप पात्र आदि जो कुछ भी आपका मन करे वो आप खरीद कर दे सकते हैं तेजस जो है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? जो लोग अलंकार आदि नहीं दे पाते उनके मन में कई समय एक विषय रह जाता है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप तेजस आदि भी माँ के लिए खरीद सकते। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।